वेरी फ्रेश गुड मॉर्निंग। आई होप आप सभी लोग मस्त होंगे, फिट और फाइन होंगे। मैं भी एकदम मस्त हूँ गाइस, मेरा नाम है पवन। तो गाइस अभी मैं आराम से इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि सब सोए हैं और मैं ही उठाऊँ अभी, भले मम्मी उठी है क्योंकि अभी बज रहा है 5 बजे, क्योंकि अभी सब सोए रहते हैं, तो इसलिए मैं आराम से बोल रहा हूँ। ज़रा तो अभी जाना मुझे कुछ सामान दे रही ज़रा नीचे, तो अभी नीचे जाना है, मतलब उस किसी को सामान देना पंडित जी को, तो वहीं चलते हैं अभी। तो अभी 6:30 बजे जा रही गाड़ी, तो वहीं पर मिलते हैं आपको सीधे। सुबह के बज गए 6:30 हो गए, क्योंकि 6:15 पे जानता, 6:10 पे निकल गया मैं घर से, और सामान ये रहा गाइस, और चल दिया मैं इतनी सुबह सुबह। और मौसम चेक करिए आप, अभी सूरज भी उगा नहीं है अभी, मैं जान लगे इतनी जल्दी करेगा इस मौसम। और यहाँ ओसी ओस पड़ी है, ओसी ओस जो मैं पैर में फोड़े हो रहे ओस लग जा रहा पानी, तो उसमें पर दिक्कत हो सकती है। और गाइस अभी सुबह का मौसम तय गया दादू, ये जो आपको दिख रहा है ना, इसे मैं देख के एक दिन डर गया था रात को यहाँ से, तो इसे देख के इस आप में से बहुत लोग जानते होंगे, इसे कहते हैं हमारे वहाँ क्या कहते हो, तो गाइस ये बोलते पहाड़ी में भिसूड़ बोलते हैं, भिसूड़। इसे पूरे मतलब जो भी जानवर वानवर आते ना खेत में नुकसान करने के लिए, वो भाग जाते हैं इसे देख के, वो सोचते हैं कि इंसान है करके, और वो भाग जाता पूरा। तो गाइस आगे जस्ट रोड पे अभी हम आ चुके हैं बस के अंदर, जो है हमारे ड्राइवर दादी। हेलो 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 दोस्तों। तो गाइस अभी मैं बैठा हूँ यहाँ पे जहाँ पे बैठता है दादी, जो कि रोज हमें स्कूल तक पहुँचाता है, 5 रुपये लेता है हमसे, 5 रुपये बच्चों से। अभी 5 रुपये कोई ज़्यादा वो नहीं है, क्या नहीं है, बड़ी बात नहीं है। तो गाइस आप चलते हैं घर को जरा, चलिए गाइस। आज अकेला हूँ मैं, आज कोई बच्चे भी नहीं है, क्योंकि आज संडे है ना, क्योंकि और दिन रोज भरी रहती है, बस आज खाली है पूरी। आज बच्चों की याद आ रही है, 5 रुपये नहीं लेगा घर से। अभी मैं बैठा हूँ जरा यहाँ पे, तो अभी गाड़ी जाने वाली है ये बस। मैं आपको बता दूँ ये कहाँ की बस है, ये बस है हल्द्वानी, बिताघाट टू हल्द्वानी आती है, मतलब पूरी आती तो मल्ली सिटी तक है, बिताघाट टू हल्द्वानी गाइस। यहाँ से बहुत लंबा सफ़र है, 80-90 किलोमीटर दूर है यहाँ से हल्द्वानी। इस घर तो पहुँच गया था, तो अब एक और काम मिल गया घर से, क्योंकि मुझे घर पहुँचे 1.5 घंटा हो गया। तो अब जा रहा गाइस मुझे गधेरे में कूड़ा फेंकने आना है, डस्टबिन में जो रखा था ना वो फेंकने आना है, तो चले चलते हैं वहीं चलते हैं अब, और वहाँ से ये कूड़ा वाला वो धोना भी होना है, बहुत चीज़ें करनी है, तो चलिए चलते हैं। यहाँ पे भाई देख कूड़ा, और यहाँ पे जो कूड़ा इकट्ठा होता है पूरे गाँव वाले यहाँ फेंकते हैं, तो उसे जला दिया जाता है, और अभी धोते इसे यहाँ से, धोते इसे यहाँ से ज़रा। फाइनली धो दिया पूरा है, ये भी धो दिया, क्योंकि हाथ तो मारा नहीं ऐसे साफ हो गए दोनों। तो अब चलते हैं घर को, और आज कुछ जरा गधेरा काम हुआ है। आप सोच रहे होंगे आज मैं इतना काम क्यों कर रहा हूँ, आज संडे है इसलिए मुझे करना पड़ रहा है सब काम, तो आज मैं ही कर रहा हूँ, क्योंकि गाइस ये चक्कर है गाइस, पूरा साफ कर दिया, तो चलिए चलते हैं घर को। फाइनली घर पहुँच गया, तो खाना खाते हैं, घर पहुँच के सीधे गाइस खाना तैयार हो गया है, प्याजी सब्जी और दूध है, तो गाइस खा के मिलते हैं। तो गाइस हम जा रहे थे खड़की यहाँ से, आपको दिखाया था मैंने कि हम वहीं जाते, तो सुबह जाता शाम को आते, पर एक वो हो गया था ना, तो बीच में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, तो नहीं जा पाए, तो अगली संडे को जाएंगे ज़रूर गाइस, वहाँ कैंपिंग कर रहे हैं, कैंपिंग नहीं मतलब घर है मेरे दोस्त का एक, वहीं रहना है, वहीं मतलब सुबह से शाम तक वहीं बिताना है, तो देखते हैं क्या होता है। गाइस जस्ट अभी बज रहे दिन के 1:30 बजे, और मैं सूखे था थोड़ी देर, कहीं ऐसी नींद लगी थी ना, और खतना सीधे खाना खाने लगे थे सब लोग, फिर खाना खा रहे। देखते हैं आज क्या है, देखिए ये सब्जी और ये आम, भात के आम खाते हुए आज पहला इंसान देखा होगा मेरे जैसे, मैं हूँ भात के चाऊ के आम खाने वाला, खा लिया था सीधे, मुझे बुलाया मेरे घर पे पंकज, सीधे पंकज बुलाना है, तो मैंने सक्की बुलाना है, तो इससे भेजा था लक्की ने, लक्या सोया है, सो गई सीधे उठ रहा है। हेलो कौन है, अंकू शिवराज, शिवराज अरे ना फोन लगा जा, तो कहीं अभी सबको फोन कर रहे हैं सियाजन को, हालांकि बारिश आ रही है, तो यार देखते हैं क्या अकेले आ रहे हैं, किस काम से आ रहे हैं। अभी हम सब लोग निकल चुके, 4 लोग तब जा रहे हैं जरा नीचे को, और अभी उसके एक लड़का काम कर रहा होगा अंकू, तो उसे कॉल करके बुलाया अभी, तो आ रहा है अभी, वो नीचे पहुँच जाएगा तब तक। एक और शिवराज जब यहाँ रास्ते में मिल जाएगा हमें, तो अभी चल रहे उधर के रास्ते इसलिए नहीं गए क्योंकि उधर से रास्ते बहुत मतलब गधेरा आया है, ये तो पार कर देंगे, मेरे पैर में होड़ के फोड़े, तो उसमें लगानी नहीं है पानी, तो यहाँ से जरा पत्थर है ना नीचे के रास्ते, तो नीचे के रास्ते आना है, तो वहाँ पत्थर है उसमें टेक के पार कर लूँगा, क्योंकि ऊपर के रास्ता आऊँगा तो पूरा भीग जाएगा पैर, और पानी तो लगाना है नहीं पैर में, तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं आपको आगे।
तो गाइस अभी नीचे हम गधे में पहुंच गए, तो मैं देख रहा हूँ कि कहाँ से जाने का रास्ता और कहाँ पे लगी। तो गाइस यहाँ से सही है, जरा मैं बताऊँगा आपको, क्योंकि मुझे पानी तो लगा रहा है नहीं पैर में। इधर से नहीं, इधर से ये है ना इधर। अरे यहाँ से पूरा पार कर लूँगा मैं यहाँ से। तो गाइस ये सही लग रहा है मुझे, पत्थर 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 है गाइस। गाइस पार कर लिया। ओ वाओ, ना ही पानी पैर में पानी लगा ना ही कुछ, और पार कर दिया हमने पूरा गधेरा। चार्जिंग से नहीं हूँ, चार्जिंग से नहीं, बस दूसरे लॉक से। ओ भाई बोलने दे जरा भाई, बस करे। तो गाइस अभी हम सबके साथ मिल गए, अभी जा रहे हैं हम जरा नीचे को, क्योंकि हमारा शाम का यही सिस्टम कि हम नीचे को जाते हैं। एक गाइस फाइनली पहुंच गए अपने फील्ड में, हरे भरे एकदम। और यहाँ पे आज मैं इनका आज जितना स्लिप फ्लिप सीखे है, मतलब वो दिखाऊंगा आपको। जैसे कि लक्की भाई, लक्की भाई हमारे इधर आ, बोला ना जल्दी। तो गाइस जैसे लक्की भाई हमारे फ्लिप क्या फिर फ्लिप मारेंगे आज लक्की भाई, मैं आपको इनका एक फ्लिप दिखाऊंगा आपको। भाई जरा इस पत्थर पे सीख रहे हैं, पर हमने यहाँ पे खोद के बनाया था, यहाँ पे सही कर लक्की भाई ने सही हो गया, कर देगा लक्की। लकी रेडी, लकी रेडी, लकी हम तुम्हारे साथ है, तुम आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ है। 1 2 3 गाइस क्या कर रहे हैं, मतलब ये कौन सी है, ये क्या बच्चे, ये क्या है, ये क्या है ब्रो, ये क्या है ब्रो, कुछ बताना चाहोगे, ये कौन सी फ्लिप है आप हमें बता दो। ये है ट्रायल करता हूं। अच्छा ट्रायल है, आप करोगे इसलिए, लकी दिखा दे। लेकिन हाथ मत रखना, तू पूरा सही कर रहा था, तू हाथ रख ले रहा है। हाथ क्यों रख रहे हो तुम पागल की तरफ,